कटिहार के बराड़ी प्रखंड में हुए नाव हादसे पर अपडेट। कटिहार के बराड़ी प्रखंड के मर्दिया पासवान टोला में बराड़ी नदी में हुए नाव हादसे में कुल अब तक 700 बरामद कर लिए गए हैं। 3 लोगों ने तैरकर जान बचाई है। घटना कल की है, जब नौका पे सवार सभी लोग लक्ष्मीपुर धान काटने गए थे और लक्ष्मीपुर से वापस आने के क्रम में नाव बराड़ी नदी में डूब गई। नाव में कुल 10 लोग सवार थे। सभी के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है और मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे देने की सरकार ने घोषणा की है। सूबे के मुख्यमंत्री ने घटना पे शोक जताया है। नमस्कार, मैं आमिर। जैसा कि पता है कि कल बराड़ी विधानसभा क्षेत्र में नाव हादसा हो जाने के कारण लगभग 7 लोगों की मौत हो गई है, जिसके आज पोस्टमार्टम कराने के लिए बराड़ी के विधायक विजय सिंह जी आए हुए हैं उन्हें पोस्टमार्टम कराने के लिए। क्या कुछ मामला था, कैसे इस तरह की पूरी घटना हुई थी, पूरी घटना को जानेंगे विधायक विजय सिंह हमारे साथ। क्या था घटना, देखिए कल 3:30 बजे की घटना है। शाम का समय का वक्त था। बराड़ी विधानसभा अंतर्गत जो पश्चिमी बाड़ी नगर मरघिया गांव है, वहाँ बरंडी नदी है। बरंडी नदी को उस पार मरघिया गांव के हमारे समाज के लोग जो हैं तो धान काटने के लिए गए थे और धान काट करके जब लौट रहे थे बरंडी नदी में तो लगभग 10 लोग उस पर सवार थे और बीच बरंडी नदी में ही नाव डूब गई और 3 लोग तो तैर के निकल गए और 7 लोग पानी में वहाँ डूब गए, जिसमें 4 महिला 3 पुरुष है। एक उसमें छोटा सा 6 साल का एक बच्चा भी है। और जिनकी सूचना हम कुछ मिलते ही हम लोग तुरंत वहाँ कुछ किए हैं, वहाँ पहुँच कर करके रात के 2 बजे तक हम लोगों ने वहाँ पे स्थानीय जो गोताखोर है कुरसेला से मंगाया गया स्थानीय वहाँ के मरघिया के गांव के कुछ लोग थे, सभी के नेतृत्व में जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारी वहाँ उपस्थित थे, सभी गणमान्य जो नेतागण वहाँ भी सब लोग उपस्थित थे। सबके नेतृत्व हम लोगों ने वहाँ रात 2 बजे तक खोजबीन किया। 6 बड्डी को रात को मिल चुका था। आज सुबह 6:30-7 बजे एक बड्डी छोटा सा बच्चा वो मिला है और इसे इस घड़ी की यह घटना बहुत दुखद घटना है। ऐसे शोक संवेदित परिवार के प्रति हम लोग संवेदना व्यक्त करते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भी इस पीड़ित परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त किया है और जो पीड़ित परिवार है सभी सातों को सरकार के राज्य सरकार के द्वारा जो सहायता राशि 4-4 लाख रुपया उसके खाते में भी तुरंत मुहैया भी हो गया है और ऐसे इस पीड़ित परिवार के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। आशा करते हैं आने वाला समय लोग सचेत हों, नाव में जिस तरह जाते हैं लोग किस नाव पर कम लोग चढ़ें तो इससे घटना दुर्घटना कम हो सकती है। क्या लगता है लोड के कारण इस तरह घटना घटी है? ऐसा नहीं है, स्थानीय गांव में लोग हैं जहाँ नाव का एक ही सवारी होता है, नदी के पार उस पार जाने का नाव का साधन होता है और वहां पे पुल नहीं है, पुल होने होता तो घटना नहीं घटती, लेकिन नाव के कारण लोग ज़्यादा उसमें 40 बोरा धान भी था तो धान लगता है ज़्यादा था या जी घटना क्या हुआ गॉड नोज, लेकिन यह दुखद घटना है। तो आपने सुना बराड़ी के विधायक विजय सिंह ने बताया कि लगभग 7 लोगों की मौत हो गई है और उनका जो बहुत जल्द ही नीतीश कुमार जी के द्वारा 4 लाख रुपए उन लोगों को मुआवजा राशि भी मुहैया करा दी जाएगी।